अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th फिजिक्स के साथ सर यूनस। और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। बेटा, हमने जो प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस किया उसके अंदर हमने लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एडिशन ऑफ फोर्सेस बेटा। अच्छा, एक बात बताता चाहूँ मैं आपको बेटा कि आपके जो लेक्चर्स की तरतीब है वो इस तरह है कि तीन दिन जो है ना, तीन जो आपके दो डेज है, मतलब एक दिन आपको चार लेक्चर मिलेंगे और एक दिन आपको तीन लेक्चर्स मिलेंगे। मीन दैट आज फिजिक्स की बारी है तो फिजिक्स के साथ जो है ना वो केमिस्ट्री और बायो और आई थिंक उर्दू आपको मिलेगा और मिलेगी, और बाकी जो रिलीजनस डेट्स बनते हैं वो आपने बाद में उसको डील करना। मीन दैट आपके एक दिन में सात लेक्चर नहीं आएंगे, फिलहाल आपके एक दिन में चार लेक्चर और एक दिन में क्या आएंगे, तीन लेक्चर आएंगे। तो आज का टॉपिक है बेटा एडिशन ऑफ फोर्सेस, के आप फोर्सेस को ऐड अप कैसे कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी फोर्सेस हों तो हम उनको जमा कैसे करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे फोर्स को। हमने चैप्टर नंबर 2 आई थिंक या 3 के अंदर फोर्स की डेफिनेशन, बल्कि 3 के अंदर फोर्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि फोर्स क्या है। अ बॉडी मूव्स अटेंड्स टू मूव्स, स्टॉप अटेंड्स टू स्टॉप। जब एक बॉडी मूव करती है उसको मूव करवाने के लिए या उसको रोकने के लिए जो क्वांटिटी हम उसके ऊपर लगा रहे होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। तो वो कहते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीन दैट कि उसकी डायरेक्शन भी होगी और उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब उसकी कोई वैल्यू भी होगी और उसकी कोई सीमत भी होगी। देयरफॉर फोर्सेज आर नॉट एडेड बाय ऑर्डिनरी अर्थमेटिकल रूल्स। बेटा याद रखिएगा, फोर्सेस को हम एक ऑर्डिनरी जो आम मेथड होता है उससे ऐड नहीं कर सकते। वी व्हेन फोर्सेस आर एडेड वी गेट अ रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन जब फोर्सेस ऐड हो जाती हैं तो हमें एक फोर्स मिलती है जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स बेटा। अब मैं आपको एक रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन जो है ना वो पढ़ाने जा रहा हूँ। इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी दफ़ा आई हुई है, आप इसको डिस्कस भी करेंगे बेटा और आप इसको अच्छे से याद भी करेंगे, आपका होमवर्क तो वैसे भी होता है। वो क्या है बेटा, वो ये है कि अगर वो कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या बेटा, वो कहता है एक रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स। कि जो रिजल्टेंट फोर्स होती है ना, जो फोर्सेस का मजमुआ होता है वो एक सिंगल फोर्स होती है। दैट हैज़ द सेम इफेक्ट, उसका इफेक्ट जो होता है वो सेम होता है एज द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एटेड। मीन दैट हमारे पास देखें चार फोर्सेज हैं, सपोज कर लेते हैं उन चार फोर्सेज का हम सम अप कर लें और एक फोर्स बनती है। यस, वो जो एक फोर्स बनती है उसे कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। हम वो जो उस फोर्स के पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, उस फोर्स के पास जितनी उसकी मैग्नीट्यूड होगी, मीन दैट हम ये कह सकते हैं कि उसके पास, अगर फॉर एग्जांपल हर फोर्स के पास पावर है, बहुत ज़्यादा पावर, हम उन फोर्सेस को ऐड अप कर लेते हैं। ऐड अप करने के बाद जो उस रिजल्टेंट फोर्स आएगी उसके अंदर वही खसूसियात पाई जाएंगी जो एक कम्बाइंड इफेक्ट होता है ऑल दी फोर्सेस का। बात समझ आ रही है? मीन दैट हमारे पास बहुत सारी फोर्सेज हैं, हम उनको ऐड करके एक हमारे पास एक सिंगल फोर्स आती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं बेटा। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद अब बेटा वन ऑफ द मेथड फॉर एडिशन ऑफ फोर्सेस इज अ ग्राफिकल मेथड। एक ऐसा मेथड, क्योंकि हम ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से तो इसको ऐड अप नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक मेथड आता है, उस मेथड को कहते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या कहते हैं उसको? ग्राफिकल मेथड कहते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर फोर्सेस कैन एडेड बाय अ हेड टू टेल रूल ऑफ फैक्टर एडिशन। हेड टू टेल रूल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से आपने इसको याद करना है। ये समटाइम आप एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, वो कहते हैं हाउ फोर्सेस कैन बी एडेड। तो आप कह सकते हैं, क्वेश्चन सुने बेटा, दोबारा सुने, हाउ फोर्सेस कैन बी एडेड, कि हम फोर्सेस को एड अप कैसे कर सकते हैं। तो वी कैन एडेड द फोर्सेस बाय ग्राफिकल मैथड, एंड दिस ग्राफिकल मैथड इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल मैथड। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी बेटा। अब हेड टू टेल रूल मेथड कैसे होता है बेटा, देखें वो कहता है फिगर। अब देखें बेटा, ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, सपोज करें मैं आपको यहाँ निशान लगाता हूँ, ये कौन सा वेक्टर ए, मतलब इसकी डायरेक्शन जो है ना वो आप देख रहे होंगे कि किस तरफ है, ठीक है। और एक डायरेक्शन मेरे पास बी है, एक वेक्टर जो बी है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं जो है पेंसिल के साथ इंडिकेट करूँ, ये डायरेक्शन, ये वैक्टर बी है और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। अच्छा, जो इस वैक्टर की जो लेंथ होती है ना बेटा, वो बेसिकली मैग्नीट्यूड होती है। इस वेक्टर की जो लेंथ होती है, अगर ये 2 सेंटीमीटर सपोज करते हैं, मैं कहता हूँ ये 2 है जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सपोज करें अगर ये 2 सेंटीमीटर है बेटा, तो आई थिंक तो इसकी मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर होगी और डायरेक्शन इसकी किस तरफ है, आपको एरो शो कर रहा होगा कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है बेटा। दो वैक्टर्स हैं ए और बी आपके पास, हम इनको ऐड कैसे करेंगे, देखें बेटा, आप क्या करेंगे, ए वैक्टर ड्रॉ करेंगे,
देखो आपके पास ए वेक्टर ड्रा हो पड़ा है, एडिंग वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल मेथड। आपने वेक्टर ए लिया, ठीक है, और उसके ऊपर देखो ये इस वेक्टर की हेड है और बी वेक्टर की टेल के साथ, मतलब ये हेड और ये टेल, ठीक है। मैं अब यहाँ पर ड्रा करता हूँ, देखें ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, ये एक ए वेक्टर है। अच्छा देखिए और कीजिएगा, ये एक वेक्टर ए हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं इसके ऊपर एक वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, लाइक दैट। अब देखो ये ए वेक्टर है, अब ये इस, ये देखो ये हेड है ए का, ये क्या है बेटा, ये दिस हेड ऑफ ए, और इसके ऊपर मैं इस तरह ड्रा करता हूँ, दिस इज वेक्टर बी बेटा, ठीक है। अब देखो बी वेक्टर की, ये कौन सा वेक्टर है बेटा, बी, ये कौन सा वेक्टर है, बी बेटा, बी वेक्टर की टेल को मैंने ए वेक्टर के हेड के साथ मिला दिया, ठीक है, हो गया। जब ये ऐड हो गया तो अब क्या होगा, अब एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये देखिए ये आपको रेड कलर का शो हो रहा होगा बेटा, दिस इज का रिजल्टेंट वेक्टर, इसे कहते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। मतलब अब ए और बी करने को ऐड करने के बाद हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आया कि आपने हेड को हेड के साथ मिलाया और टेल को टेल के साथ मिलाने के बाद जो वेक्टर आपके पास मिला है दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। और याद रखिएगा आर जो होता है हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इज इक्वल टू बराबर होता है ए और प्लस बेटा हमारे पास क्या आ जाता है ए प्लस बी के, क्योंकि हमने दो फोर्सेस क्या कर दिए बेटा ऐड कर दिए। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ये बात समझ आ गया। तो इस तरीके से हम हेड टू टेल रूल को जो है ना वो कह सकते हैं, मीन दैट आप हेड से टेल को, टेल कहते हैं दुम को बेटा और हेड कहते हैं सर को, तो आप फर्स्ट फैक्टर की जो, देखो ये फर्स्ट फैक्टर ड्रॉ हो गया उसके ऊपर आप इसकी हेड को दूसरे वैक्टर के साथ टेल के साथ मिलाते जाएंगे तो ये हमारे पास एक वैक्टर आएगा। ऐड करने के बाद एक रिजल्टेंट वैक्टर आता है, दैट इज वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ हेड टू टेल रूल बेटा। आई थिंक आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन या कोई बात पूछनी हो तो भैया मुझसे आप व्हाट्सएप पर कंटेक्ट कर सकते हैं, और आपने इसको इसके डायग्राम भी बनानी है, ये लिखना भी है, आपका होमवर्क भी होगा और आपने साथ साथ टेस्ट भी कैरी ऑन करने। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।